सो so, बढ़िया है ना साहब मैं हूँ अर्पित दुबे और आज हम बात करने वाले हैं कि अपने बायसअप को थ्री डी लुक कैसे दें मतलब थ्री डी लुक बोलने का मतलब ये नहीं कि आप थ्री डी टू डी डायमेंशन में सोचने लगे मैं सर आपको ये बात बोल रहा हूँ कि यूजुअली होता है लोग सिर्फ अपने साइज़ पे अपने शेप पर ध्यान देते लेकिन मैं आज आपको तीन ऐसी एक्सरसाइज लेकर आया हूँ जिसमें आपको थोड़ी मेहनत लगेगी लेकिन वो एक्सरसाइज बहुत प्यारी एक्सरसाइज है बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है सो so, मैं आपको अब धीरे धीरे करके बताता हूँ कि वो एक्सरसाइज आखिर है क्या तो चलिए शुरू करते हैं सो so, हमारे पास है पहली एक्सरसाइज जिसको हम बोल सकते हैं रोप कर एक्सरसाइज है सो so, आप उसको अपने जिम में एक रोप रोप आती है रोप जैसे आप ट्राइसेप करते हैं ट्राइसेप वगैरह सो so, उससे आप ये वाली एक्सरसाइज परफॉर्म कर सकते थे वैसे मैंने सिर्फ यहाँ पे कुछ नहीं किया है मेरे पास अभी वैसी कुछ अवेलेबिलिटी नहीं थी इसलिए मैंने ये किया है कि मैंने एक टॉविल के अंदर दो प्लेट्स रख दी हैं उन प्लेट्स से मैं आज आप वो आपको एक्सरसाइज कर दूसरा सो मैं आपको बताता हूँ कि एक्चुअल में वो एक्सरसाइज है कैसी चलिए सो आपको कुछ नहीं करना जब आप अपना ये बाइसेप मतलब बाइसेप के लिए जब आप कॉन्ट्रेक्शन के लिए चालू करेंगे सो आपको अपनी रिस्ट को ऐसे रखना है लाइक like दिस अपने एल्ड रिस्ट को आपको नीचे की तरफ टिल्ट करना है देन आपको जब ऊपर लेके आएंगे सो so आपको ऐसे लाकर अपनी जो रिस्ट है उसको ऐसे की बाहर की तरफ करना है सी देखिए अब मेरा जो रेंज ऑफ मोशन कैसा हो रहा है आप उस रेंज ऑफ मोशन पे पर फोकस करिए आपको ऐसे मतलब कम से कम आपके आपको इसके दस रिपीटिशन मारने हैं अगर जितना वेट आप ले सकें इसका आप रिपीटिशन मारें तीन से चार सेट करें क्योंकि एक्चुअल में इधर पे क्या होता है जो आपकी मसल्स के अंदर जो होते हैं एक हो कह मीन्स नॉर्मली हम उसको कहते हैं एक होता है ब्रैकिअल्स ब्रेकिअल्स हमारा जब हम करते हैं तो ब्रैकिअल्स ये जो बीच के जो हमारा मसल बाइसअप होता है जो हमारा ये लॉन्ग हेड होता है लॉन्ग हेड और ये लास्ट में हमारा है ट्राइसप होता है उसके बीच में ब्रैकियाल्स होते हैं सो so, लो, लोज लोग यूजअली ये बोलते हैं कि ब्रैकिआल्स को ट्रेन नहीं करो या नॉर्मल सो so, मैं आपको ये बोलूँगा कि अगर आपको अपना साइज़ काफ़ी बेहतर रखना है अगर आपको ऐसे अगर आप चाहते हो कि दूर से लोग देखें एंड सामने से देखें तो भी साइज़ काफ़ी ज़्यादा समझ में आए पीछे से देखें तो भी एंड साइड से साइज से जब आप ऐसे कर कर खड़े होते हैं यूजुअली जब आप ऐसे करके खड़े होते हैं सो यहाँ पे एक अंदर एक थोड़ा गैप सा दिखता है सो so, देखने में भी बहुत प्यारा लगता है एंड यूजुअली उसको बोला ही जाता है कि वो थ्री डी बाइसअप का लुक देते हैं सो so, अब मैं बताऊंगा आपको दूसरी एक्सरसाइज और दूसरी एक्सरसाइज ये वाली एक्सरसाइज जिसमें आपको क्या करना है डंबल है वो मैं डंबल से आपको दूसरी एक्सर डंबल कर्ल कहते हैं उसको बात करने वाला था दूसरी एक्सरसाइज की दूसरी एक्सरसाइज जैसा जा, मैंने आपको बताया था डंबल कर्ल तो डंबल कर्ल भी आप भी उस पर आप अभी हम इस वीडियो में सिर्फ ब्रैके पर फोकस करेंगे क्योंकि ये वो जो बीच की लाइन होती है ना वो बहुत ज़्यादा सेक्सी लगती है जब हम कहीं पे भी जाते हैं या कहीं घूमने जाते हैं तो हम जब टी शर्ट्स में होते हैं, तो वो लाइन बहुत अच्छी लगती है तो मैं उसी के लिए दूसरी एक्सरसाइज बताने वाला हूँ सो आपको एक मॉडरेट वेट से थोड़ा कम आप वेट लें क्योंकि आपको हैवी वेट ऐसे हवा में रखने होंगे जब आप हवा में रखेंगे तो आपके जो तो दोनों ये साइड से हैं जब आप इनको आपको क्या करना है ऐसे हवा में रख के आपको इनको ऐसे ऐसे लेके को तो बाहर की तरफ टिल्ट करना है फिर वापस आप लेंगे देन अगेन बाहर की तरफ टिल्ट करना है देन अगेन देन ये देन अगेन उठ के तरफ अगेन सो so, आपको भी इसके समथिंग अराउंड आप इसके अपने इच्छा अनुसार आठ से दस रिपीटेशन कर सकते हैं इसके तीन सेट मारें आप अपनी एक्सरसाइज जब भी आपका आमडे होता है इसको आप इस चीज़ को आप टाइम दें वीकली वंस करें लेकिन इस चीज़ को आप टाइम दें क्योंकि एक्चुअली लोग सिर्फ़ और सिर्फ ये वाली एक्सरसाइज मारते हैं ये वाली एक्सरसाइज ज़्यादातर वो यही करते हैं हैमर करते हैं ओके वो ठीक है दैट्स गुड मैं ये नहीं बोलूँगा कि वो एक्सरसाइज़ ख़राब है मैं बस आपको ये बोलना चाहता हूँ कि ये जो एक्सरसाइज है वो हमारे ब्रैकेल्स को फोकस करती है लोग बोलते हैं कि इसमें सुपरनेशन, प्रोनेशन, ये सब नहीं होता सो ऐसा कुछ भी नहीं है आप इस एक्सरसाइज के बारे में वीडियोस जहाँ तक यूट्यूब पर हैं नहीं सो मैं आपको जितना मैं जानता हूँ उस एक्सरसाइज़ के बारे में मैंने देखा है मैंने अपने जिम में एक दो लोगों से सीखा था सो वो बोलते हैं कि ये एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है तीसरी एक्सरसाइज है बारबल कल मैं इसके लिए आपको बोलना चाहूँगा क्योंकि मेरे पास अभी कोई भी बारबल या कोई भी रॉड टाइप की चीज़ अवेलेबल नहीं है मैंने बहुत दूड़ा बट मेरे अवेलेबल नहीं पर मैंने सोचा आपको ये तीन एक्सरसाइज मैं बता दूँ क्योंकि ये जो तीसरी एक्सरसाइज के लिए अगर मैं अलग वीडियो बनाता तो वो थोड़ा अलग हो जाता है एंड आपको वेट भी करना पड़ता सो so, उसमें आपको कुछ नहीं करना है वो थोड़ी बहुत सिमिलर है बारबल डंबल डंबल कर जैसी सिमिलर एक्सरसाइज है उसमें आपको जैसे आप फोर आर्म्स मारते हैं आपने देखा होगा आप जब फोर आर्म्स मारते हैं तो आप यूजुअली ये वाली एक्सरसाइज करते हैं फोर आर्म्स के लिए सो so, मैं आपको ये बोलूँगा आप एक बारबेल बारबेल रख पकड़ दें बारबेल से आप ये कोशिश करें कि जब आप ऊपर लेकर आएंगे तो ऐसा हो आपका हाथ ऐसा हो मीन्स आपका जो रेस्ट है वो बाहर नीचे की तरफ टिल्ट हो और जब आप ऊपर लेके आएंगे सो तो वो ऐसी हो देन अगेन ऐसी सो so, आपको इसके भी सेम आठ से दस रिपीटिशन करें तीन सेट मारे इसको अपनी डेली यूज़ पर लाए मैं बता रहा हूँ अभी आपको अगर ऐसा लग रहा होगा कि नहीं यार मतलब क्या है ये बाइसेप की तो उससे ही बाइसेप बन जाते हैं हाँ मैं मानता हूँ कि उन एक्सरसाइज से बाइसेप बन जाते हैं लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि बाइसेप का थ्री लुक कैसे दिया जाता है यूजली ये थ्री लुक में ही आता है क्योंकि आपका ट्राइसेप अलग दिखेगा आपके बीच के ब्रेकियाल्स अलग दिखेंगे एंड आपका लॉन्ग हैड वो भी अलग दिखेगा सो ये इसलिए बोला जाता है कि ये थ्री एक्सरसाइज है सो मैं जो थर्ड पॉइंट था मैं उसमें आपको कोई इक्विपमेंट से करके नहीं दिखा पाया तो आई एम सॉरी मेरे को उसके लिए माफ़ करना सो so, मैं आपको ये बोलूँगा कि आप ये जितनी भी एक्सरसाइज है उसको अपने डेली रूटीन में फॉलो करें एंड अगर आपको मेरी वीडियो हेल्पफुल लग रही है तो आप मेरी वीडियो को लाइक like करें एंड अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करें वो मंदिर का घंटा ज़रूर बजा दें और मैं आपसे बस ये बोलना चाहूँगा कि जैसे कि आप जानते हैं लॉकडाउन है एंड अगली वीडियो में एक दो दिन मैं फिर से लेकर आऊँगा सो मैं बोलूँगा घर पर रहें टेक केयर स्टे स्टे होम स्टे सेफ